श्लोक महला दूजा। चाकर लगे चाकरी नाले गर्ववाद गला करे कणेरिया खस न पाए बाणी श्री आसा जी दी वार विच गुरु अंगद देव जी महाराज दी है। गुरु अंगद दे पास एक गुरमुख प्रेमी आया। वो कहन लग्या कोई ऐसा सिख है जेड़ा परमात्मा दे बाणे नू सही अर्थां विच मनदा है और फिर वो सब कुछ जानदा होवे की होना है की हो रहा है। और वो कहन लगे कि गुजरात दे अंदर एक साडा सेवक है नाम लेवा उदा नाम है भाई पखारी तो उत्थे चलिया जा। जद भाई पखारी दा पता पुछ के गया अगे हो एक टाट दा तप्पड़ बना रहा सी सी रहा सीगा राम राम बोल के बैठ गया। वो अपने तप्पड़ दे विच मस्त रहा। जब तप्पड़ सी हटिया उन्हूं कहिंदा हां भाई किवें आउण होए धन भाग गरीब दी कुली विच आया है। उहदा मैं तुहाडे दर्शनां नूं आया है। उन्हें मेहमानी दे तौर दे उत्ते लिजा के घर विच दस्या कि मैनूं काफ़ी कम है मशरूक है मेरे लड़के दी शादी है ये मठियाई है ये उसकी जरी है कपड़े और ये गहने वगैरह जो आने वाली लड़की दे पौने है वो है। सब कुछ दिखा के एक फटा दिखाया एक चिट्टा कपड़ा उत्थे पिया दिखाया। कहन लग्या मेरा लड़का बड़ी जल्दी यह गुजर जाएगा इस फट्टे ते पा के ले जाना है ताकि फिर ज्यादे इंतजार ना करनी पे ये उसका कपड़ा है। हुण गुरमुख प्रेमी ने सोचा किते ऐसा ना होए कि एवें गल्लां करी जांदा है ये की गल जिहड़ा जदों इस नूं सब कुछ पता है ते ये व्याहे क्यों लड़के नूं ज्यादे कफन वगैरह पहले ही पाई बैठा है। खैर उन्हें सोचा तहकीकात जरूरी है आखिर इस राज नूं देखिए तां सही कित्थों कु तक सच है क्योंकि साडे जिन्हां दे खुद दे मन बेविश्वासी हुंदे है वो दूसरे ते भी विश्वास नहीं कर दे गए। टाइम आया बरात गई लड़की वाले ने लड़की तोरी जो रीति रिवाज हिंदुस्तान दा शादियां दा है वो सब कुछ होया। जदों आए घर दे अंदर एक दो दिन बाद वो लड़का शरीर छड गया। फट्टा और कफन जो उत्ते पाउण वाला सी वह पहले ही तैयार सी चुकिया उस बच्चे का छिछकार करे आए करे आ गए हिंदुस्तान दे अंदर मुर्दे नू बाहर छिछकार करके
करे आके कपड़ा विछा के बैठदे है। वो जरा टाट तत्पड़ सी रहा सीगा वो तैयार करके गया सीगा वो विछा दिता। सब बैठ गए। किसी ने कहा कि माड़ा होया भी हुणे लड़का वह के लैस है, काफी गबरू होया सी, खर्चा होया, अगर मालिक ने ले जाना सी तो पहले ले जांदा अच्छा हुंदा। आपो अपनी बोलियां, हर एक ने बोलियां हमदर्दी दियां, लेकिन भाई भुखारी चुप सीगा। जद उस गुरमुख प्रेमी ने एकांत विच कहा कि एक ही कौतक है, कौतक है, जब तेनू इना सब कुछ पता सीगा, तप्पड़ तक भी थले बैठन तैयार किया, कफन तक तैयार किया, सब कुछ किया, फिर तेनू इना अडंबर रचन दे विच की लोड़ सी? जब तू अंदर जाना है तू खुद क्यों नहीं इस वक्त नू टाल दिता? कम से कम अपने बच्चे वास्ते तो जरूरी है। फिर वो कहन लग्या जे तू नहीं कर सकदा सी, जो तू अंदर जाना है, अंदर शब्द गुरु दे अगे, गुरु अंगद दे अगे तू बेनती करदा, इस वक्त नू टाल दिंदा, वो सब कुछ करन कारण है। वो हस पिया। वो कहन लग्या देख भी प्यारिया, वो सिख नहीं, वो सत्संगी नहीं, जो अपनी रूहानी कमाई नू इस पिछे वरतदा है या अपने गुरु नू ये कहिंदा है कि इस मुर्दे नू ठीक कर, इस मेरे दुख नू ठीक कर, ये सिखी नहीं बल्कि ये मतबल है, मतबल प्रस्त है। जब मतबल पूरा होया प्यार नाल दी नाल ही खत्म हो जाता है। सो ये शब्द दे अंदर वो बड़े प्यार नाल समझाते हैं कि सेवक वो है, चाकर वो है, नौकर वो है जो मालक का हुक्म मन्ने, मालक दे पाने विच रहे। जे वो हंकार करता है कि मेरे को मेरे वर्गा कौन है, कहन लगे वो मालक दी खुशी नहीं पा सकता गा, ये गल्लां दा मजबून नहीं। और गल्लां दे नाल असी उस परमात्मा नू अपने उपर, साहब नू अपने उपर खुश नहीं कर सकते गे, और गल्लां नाल असी नाम दा रस, शब्द दा रस प्राप्त नहीं कर सकते गे। संत महात्मा कुदरत दे निजमां मुताबक इस संसार उत्ते अपना जीवन बतीत करते हैं, आपदे सेवकां नू भी यही हदायत करते हैं कि कुदरत कानून दे कदे खिलाफ ना चलो। अगर भगती मार्ग विच पैर रखना चाहुंदे हो, तरक्की करना चाहुंदे हो, बाबा सावन सिंह महाराज जी सदा ही चेतावनी दिंदे रहे कि जो लोग ये कहिंदे है सतगुरां अगे कि साडा मुकदमा फतेह कर, साडा बच्चा बीमार है उहनूं राजी कर, साडा ये दुख दूर कर और साडी वह बीमारी दूर कर, वो लोग रूहानीयत जो की फायदा उठाउणगे, उन्हां दे रूहानीयत गुरु मत समझ विच नहीं रही। फिर वो कहिंदे हुंदे, मैं दर्द ना कहना कि ऐसे लोग घरे बैठे रहन क्योंकि उन्हां नूं रूहानीयत दा ज्ञान नहीं। दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती असी छे चीजा लिखा के लियाए हैं, अजे साडे शरीर की रचना नहीं हुई सी, ये परालबर पहले ही लिखी गई सी। तुलसी साहब भी कहिंदे है पहले बनी परालबत पाछे बनया शरीर, तुलसी दासा खेल अजर्ज है पर मन नहीं बनता तीर। क्योंकि बाबा जयमल सिंह कहिंदे हुंदे सीगे बहुत प्रेमिया नूं पहला दर्शन हुंदे रहिंदे है, बीमारी दे दिनां विच दर्शन नहीं हुंदे, ओह तड़फदे है, फरियाद करदे है। वो कहिण लगे ओहदी वजह यही हुंदी है कि सेवक किते अर्ज ना कर देवे कि मेरी बीमारी नूं कट दिओ ताकि ओहदा कोई प्रलब्ध करम रह ना जाए। संत नहीं चाहुंदे कि साडा सेवक कोई दमारे संसार विच फिर आके हाई लवावे। आप दे बच्चे नूं देख के दुनियावी पिता भी खुश नहीं हुंदा गा। संतां दे अंदर तां हजारों माता पिता जैसा हमदर्दी हुंदी है, वह किस तरह आपदे बच्चियां नूं देख के खुश हो सकते है? मनासरो सदा मदद करते रहते हैं, लेकिन सानू जीवां नूं यह नहीं पता असी मंगना की हुंदा है। सिख और संतां दे अंदर हमेशा ही साडी जिंदगी दे अंदर ऐसे वाकयात हुंदे रहिंदे है। सेवक आपदे अखीं भी देखदा है कि
मेरी गुरु ने मदद की। साढ़े पास कई पत्र कई तारा प्रेमिया दिया रिया हैं, लेकिन संत अगो यही कहते हैं, अच्छा भाई मैं आपके गुरु का धन्यवाद करदा, ये उस गुरु ने मदद की है। कईयां दे बच्चे भी मौत दे मुंह चो कढे सतगुरां ने, उन्हां दे भी पत्र आउंदे है, पप्पू पढ़ के सुणाउंदा है, फिर भी उन्हां नूं यही लिखाउंदे हैं कि भई असीं आपके गुरु कृपाल का धन्यवाद करते हैं, ये सब उसे दे खेल है, उसे दी मदद है। आप गुराए सेवा करी किछ पाए मान। आप कहंदे अपने आप नू विचो कढ लवे, फेर नाम जपे, फेर सेवा करे, फेर भजन सिमरन करे, कहन लगे ता परमात्मा दी दरगाह विच जाके मान मिलदा है, जगह मिलदी है। नानक जिस नू लगा तिस मिले, गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे है, गुरु सतो कास कदाए, सिमरन कराए, टोकरी चकाए, लंगर दा जल पराए, जो भी सानू ओ सेवा दंदा है, सानू आप दे उच्चे भाग समझ करके ओ कर लेनी चाहिदी है। असि जिथे भी गुरु दे लाए लग जाने हैं, कहंदे ओही सेवक परवान है, ओही सेवा कीती साडी मंजूर हुंदी है। आप कहंदे है साथ सेवा कीती सफल है, जित सतगुरु का मन मन्ने। महला दूजा, जो जी होए सो गवे, मोह का कहवाओ, बीजे बिख मंगे अमृत, प्यार ना कहंदे है के जो जी दे विच हुंदा है, मन दे अंदर है, उही उगदा है। मुंह दा कहण तां जिस तरह आवाज आंदी है इस तरह ही जांदा है, वो साडे किसे भी कम नहीं आउंदा गा। असी सारे ही कहने हैं कि असी भजन करदे हैं, सिमरन करदे हैं, लेकिन असी कदे ये लेखा जोखा नहीं डेयरी दे अंदर कीता के घंटा असी व्यास से बैठे, किन्ने दफा साडा मन सानू खुश करके गया, किन्ने दफा अभ्यास च बैठा ही किसी नू गालियां कढ़दा रहा, या किसी दे नाल गल्लां करदा रहा, या किसी दी चुगली निंदिया करदा रहा, सिर्फ उठ के असी घंटा भर लिख दिने है, लेकिन कदे भी मन की चौकीदारी ना कीती कि असी एक घंटे दे विच अभ्यास कीता या कुछ होर कीता। मैं अपनी जीवन गाथा दसदा हुंना कि मेरा 8 घंटे का अभ्यास सीगा, जद मैं बाबा बिशन दास नूं नहीं मिलिया सी, पहलां दी बात है बचपने दी। मैनूं बचपने तो आदत सी किसी ना किसी लफ्ज दा मैं जाप करदा रहिंदा सी। जद बाबा बिशन दास कोले गए, उह कहण लग्गिया कदे अंदरला ठहरिया, मैं कहा जी नहीं, या तां जदों मैं शुरू करदा उस वेले पता है, या जदों मैं उठदा है उस वेले 2 मिंट पता लगदा है, बाकी दे वक्त दा पता ही नहीं किधर टप गया है। लेकिन हंकार अलग सीगा कि मैं इतना जाप करदा है। जेड़े तो भजन व्यास करदे है, शरीर दी देखभाल करदे है, अच्छे ख्याल है, वो ये शिकायत नहीं करदे कि साड़ी तरक्की नहीं होगी। जेड़े लोग भजन व्यास नहीं करदे, शरीर दी भी देखभाल नहीं करदे गे कि साड़ा मन किधर जा रहा है, वो सदा ही शिकायत करदे है जी साड़ी तरक्की नहीं होगी। और जब 1 मिनट उन्हां दी गल सुनदे आ, फिर जिहड़ियां कमजोरियां या मन तो कम लैंदे आ, वह सारा कुछ ही दस दिंदे है। फिर उन प्यार नाल कहिंदा वी देख प्यारिया, तू सोच के देख लै कि तू भजन अभ्यास करदा है। सो इस वास्ते कहण लगे मूंह दा कहा कम नहीं आउंदा, संत मत करनी दा मजबून है, गल्लां दा नहीं। गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे आ कि देखो इहदा न्याय तां कैसा है, बीज दा व्यो है, मंग दा अमृत है, वो इनू व्यो दा पौधा बीज के किस तरह अमृत मिल सकता है। प्रीत साहब ने कहा जट करां दे अंदर खताउंदा तां भेड़ा दी उन है, रेशम दा पट कित्थों मिले, किकरां दे बीज बीजदा है, और बजौर देश दियां दाखां अंगूर इनू किस तरह मिल सकदे है खाण नूं।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਸਤ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟੀਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੀਏ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇਈਏ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
अग पैदा कर देंदे है विशे भोग के जिहड़ी कदे भी समाप्त होण वाली अग्नि नहीं हुंदी गी। किसी भी विशे का तुसी स्वाद लेके देखो, एक सकिंट बाद वो तुहानू भुल जांदे है, होर पटकना लग जांदी है। उही पानी वाली लकीर दी गल है, बस वह नाल दी नाल ही खत्म हो जांदी है। महात्मा सानू दसदे है, पंजे विशे पगेंदिया उम्र गवाई यार, ए मन न रजिया ते हुण कद रजसी यार। भला दूजा होए आना करे काम, आन न सके रास, ये एक अध चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चल खस में पाए। वो मैं पहले दसा सी आने मन। हाँ भाई, हाँ भाई, गुरु साहब सानू प्यार दे नाल दसदे है केड़ा नौकर आदर पाउंदा मान पाउंदा है, जो अपने खसम दा साहब दा मालक दा आख्या मनदा है, जिधर नूं उहदी रुचि जांदी है उही कम करदा है, सेवक दा सत्संगी दा भी उही भजन सिमरन कारोबार मंजूर हुंदा है, जो सानू संत सतगुरु वार वार समझाउंदे है कि तुहाडा जानी दुश्मन मन है और अंदरों वकील दी तरह तुहानू प्रेर के विशे बकारां दे विच लाउंदा है, ऐसी अग्नि पैदा करदा है कि जिहदे विच तुसी कदे तृप्ति ना हो सको। इस वास्ते वो कम करो संत कहिंदे है जिहड़ी उस परमात्मा नू अच्छी लगे, गुरु नू अच्छी लगे, वो है भजन सिमरन नाम दी कमाई। होर मत तिसनो अगली हो वजो बेदूना खाए। कहन लगे उसनु पहली नौकरी तो मिलनी है जिदे उत्ते लग्या है, मालक खुश होके उन्हूं होर भी इनाम दे दिंदा है। मैं सदा ही उस परमात्मा कृपाल का धन्नवाद करदा हुंना कि मेरे बड़े उच्चे भाग सन जिहड़ा मैं उसका हुक्म मन सकिया। जद मानव एकता सम्मेलन किया है उदू पहले ही उस दयालु ने मैनू इस जगह विच बिठाया सीगा, और जद मानव एकता सम्मेलन होना सी कुछ आदमी अपनी ही वाह 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 दी खातर मैनू लैन वास्ते आए कि तुसी चलो, उत्थे बड़े लोग बाहरों आ रहे है, और क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मैनू यही कहा सी कि देख भी प्यारिया तेरा कम है भजन सिमरन करना, जिथे मैं बिठा गया है बैठे रहना है, जब जरूरत होएगी मैं खुद ही आऊंगा। वो आउंदा रहा, मैं उन्हां प्रेमियों ते सवाल किया कि भई कि तुहानू मेरे गुरुदेव ने कहा? वो कहिंदे उन्होंने तो नहीं कहा, असीं तैनू ले जाना चाहुंदे आ, तेरा उत्थे हर तरह ने इंतजाम करांगे, सेवा करांगे। लेकिन मैं कह बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, मैं अपने गुरु नू उच्चा समझदा है। इत्थे लाला जी कहण लगे तुसी कल्ले नहीं जांदे तां अजीत सिंह नू भेज दिंदे हैं। मैं क्या नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा नहीं, भावें इतने होर भी बंदे आ जाण, कितने भी लैण वास्ते आ जाण, गुरु दा हुक्म अटल है, जो उन्हें कह दिता पहला मेरा धर्म है उस नू करां। अगर असी गुरु का कहा मन लईए, गुरु के कहे मुताबक तुर पईए, वह दयालु दया करके अपनियां सारियां बरकतां लेके साडे विच बैठ जांदा है। जो सत्संगी दे हिस्से दा है वह तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अपना कमाया धन भी सानू दे जांदा है। और मुंशी राम पुराणा हजूर का सत्संगी सीगा, 23 पी एस का बचन सिंह प्रेमी नाल एक दिन गल्लां करन लग्या। वो पुछण लग्या किते कि महाराज कृपाल जी कद इत्थे गंगानगर जाउणगे? वो हस के कहण लग्या कि संत अजैब सिंह दे वस विच है, वो चाहुण तो उस नूं भगवान नूं वेच भी सकदे है, और हालांकि मैं हजूर दे लोकां दी तरह अगे पिछे नहीं भज्जिया, मैं दिल्ली नहीं गया, जिथे मैनू उसने बिठाया
ਆਪਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾਦੂ ਧੂੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਝਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਜਾਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ। इटली के आश्रम में पीछे गर्मियों में जब माता मिली आई तो हम सब लोग इकट्ठे बैठ के हमने अभ्यास किया। अभ्यास के बाद में माता मिली ने हमसे पूछा कि क्या हमारा अभ्यास अच्छा रहा या बुरा रहा। तो उस समय मैं मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने अपने अभ्यास के अंदर जो तजर्बा किया वो इस किस्म का था। मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ पर बहुत सारे और भी लोग थे जो बहुत दुखी थे, बड़ी ऊंची ऊंची सांसें ले रहे थे और बहुत ही परेशान, बहुत दुखी थे, और मेरे ख्याल से वो नर्क जैसी कोई जगह थी। तो मैं ये नहीं बता सकी कि क्या वो मेरा अच्छा अभ्यास था या बुरा अभ्यास था, क्या वो अच्छा अभ्यास था या बुरा था। हाँ भाई, आम तौर देते दसया जाता है कि यह सवाल ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਤਨੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੰਤਮਤ ਮੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਮਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤਾ ਹੈ,
तो कौन सा गुरु उसके लिए जिम्मेदार होगा? देखिए बात बड़ी है, सोचन और समझन दी है। गुरु हमेशा जिम्मेवार पूरा ही हुंदा है, जेड़ा अधूरा है उदी कादी जिम्मेवारी है, वो तो मन इंद्रियां दा गुलाम है। उस दे मतलक महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी, अंधा गुरु अंधा चेला नरका नरकी तक मत केला। वो नरका च जाण दा जिम्मेवार ता है, लेकिन आत्मा नूं सांभण दा जिम्मेवार नहीं। ये बड़ी एक सोचण समझण दी गल है। अगर तां असीं पूरे गुरुआं नूं छड़ के अधूरे दे पास जाने हैं तो बहुत वड्डा आपदी आत्मा नाल घात कर रहे हुंदे हैं। अगर असीं अधूरे नूं छड़ के किसी पूरे संत कोले जाने हैं तो अपनी आत्मा तो बहुत वड्डा पापां दा बोझा ला रहे हुंदे हैं। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ, काचे गुर को छोड़ो ये भी पाप कटा। ये आपके भजनों के बारे में है। आपने अपने भजन में कई दफा अपने आप को गरीब जाए दुखी जाए इस तरीके से अपने आप को बयान किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक पूरे गुरु को पूरे महात्मा को अपने आप को इस तरह से बयान करना चाहिए उस हालत में जो कि बाकी सब लोगों की हालत तुसी किसे भी पहुंचे हुए महात्मा दी शब्द लिखे पढ़ के देखो, उदे विच निम्रता ही टपकदी होएगी और अपने आप दास गरीब दुखिया ही बयान कीता हुंदा है। उन्हें पता है कि मेरी जिंदगी नूं बनाउण वाला मेरा गुरु है, गुरु मेरा सुच्चा सी सच्चा सी, उसने ही मैनू सच्चा सुच्चा बनाया है। तो अपने आप नूं ओह क्रेडिट नहीं लैंदा गा, हमेशा ओह अपने आप नूं भुल के अपने गुरु नूं ही वडियाई दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे है, बुरा देखण मैं गया बुरा ना मिलिया को, जब देखिया दिल अपना मुझसे बुरा ना को। एदा मतलब ए नहीं कि कबीर साहब बुरे सन, वो तो परम संत कुल मालिक सन, लेकिन एदे विच उहनां दी निम्रता टपकदी है। संत तुर ताम सतखंड दे विच पहुंच के भी ही दम नहीं मार देगे। गुरु नानक ने कहा है, नानक गरीब ढह पिया द्वारे मेल लियो वडियाई। भाई गुरदास बड़े कमाई वाले सन, वो कहंदे आ, हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ बेमुख मंदा। ए नहीं कि वो बेमुख सन वो मंदे सन, नहीं, एदे विच्चों बड़ी एक झलक प्यार दी सच्चाई दी झलकदी हुंदी है। स्वामी जी महाराज कहंदे आ कि गुरु मैं गुनाहगार अत भारी। उन्होंने अंदर जाके गुरु दी पोजीशन नूं देखिया हुंदा है और उस निर्मल प्योर पवित्र सच्चाई दे देश विच गुरु ही ले जाण वाला हुंदा है। इत्थे असीं मात लोक दे विच विषय बकारां दे भरे देश दे विच साडी आत्मा उतरी हुई है। अगर कोई कोला हाथ विच फड़ के एक कहे कि मैं कालस नहीं लगन दिंदा गा तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जद हाथ च कोला पकड़िया है जरूर लगदी है। ऐसे विषय बकारां दे जंगल दे विचों बचा के लै जाना एक पूरे गुरु दी ही वडियाई है। होर तो साढ़े कोई धन्नवाद करन दा जरिया नहीं, सच्चे दिलों साडी आत्मा चो अपने आप ही आवाज निकल पैंदी है कि तू ही सच्चा सुच्चा है, मैं गरीब है। नाम दा धन की ने दिता बई, गुरु ने दिता। अगर गुरु नाम दा धन ना दिंदा तो यह जीव कंगाल ही हुंदा है। गुरु नानक ने कहा कि सारी दुनिया रोगी है, नाम दारू है, उस नाम नूं प्राप्त करे बगैर असी मैल दे भरे हुंदे हैं, लेकिन नाम सतगुरु ने प्रगट किया हुंदा है, पैदा किया हुंदा है, सानू उही नाम दे नाल जोड़दा है। ये ठंडे दिल नाल मसला सोचण वाला है। हर सत्संगी नूं फर्ज करो असी किसी जंगल दे अंदर भुल जाने हैं जिथे के साडा कोई अपना नहीं गा, जो भी उत्थे सानू मिलता है अपने स्वार्थ वास्ते ही मिलता है, लेकिन साड़ी कोई रखिया करने वाला नहीं। उत्थे सानू हर पासों डर लगता है, मारे मारे फिरदे हैं। अगर उस जगह कोई अपना मिल जावे, वो साड़ी मदद करे सहारा दे देवे और उसका कोई अभियाना भी ना मंगता होवे
ठंडे दिल ना सोचो, असी उहदा किन्ना क धन्नवाद करांगे, वध तो वध तह दिलों धन्नवाद करांगे। इसे तरह ये दुनिया भी एक जंगल ही है जिदे विच असी भुले फिरदे हैं, इत्थे साडा अपना कोई नहीं हुंदा गा। माता प्यार करदी है कि बेटा मेरी मदद करेगा, बुढ़ेपे का सहारा होएगा। बच्चा माँ ना प्यार करता है कि मैनू पालेगी, मैनू दुध पिलाएगी, मैनू पढ़ाई लिखाई कराएगी। औरत पति ना प्यार करती है कि मेरिया जरूरतां पूरियां करेगा। पति प्यार करता है औरत ना कि मेरी जरूरतां पूरियां करेगी। सारे गर्ज दे बद्दे है, अगर बेगर्ज प्यार है, तुसी देखो इत्थे रुलदे फिरदिआं नूं जिथे कि कोई सौखा साह ही नहीं किसी नूं आ रहा, उस दुनिया दे विच आके सानू अपना कौन मिलता है? गुरु। कबीर साहब ने कहा, दिल दा महरम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। गर्जी दुनिया दे विच अगर कोई बेगर्ज प्यार है तो गुरु दा है, जेड़ा सवाए भजन सिमरन तो सेवक तो होर कोई दुनियावी आशा नहीं रखता गा। हुण तुसी सोच के देख लो की धन्नवाद असी उहदा कर सकते हैं। यही कर सकते हैं कि असी रुलदे फिरदे सी, साडी कोई बात नहीं पुछदा सीगा, तू ही आके साडी बांह फड़ी, तू ही सानू दुखी संसार दे विचों कढ़िया, होर कोई जिरिया ही नहीं हुंदा गा। गुरु का धन्नवाद करन दा यही जिरिया है कि आत्मा दे अंदरों सुते सीधी आवाज निकलती है। ये एक सच्चाई हुंदी है कि मैं तां ए सी और तू सचखंड दे वासी ने, मेरे ते रहमत कीती, मैं हुण तेरा किवें शुकराना करां। कबीर साहब कहिंदे है कि गुरु का जो असली चढ़ावा है, छड़न वाला वह सतनाम ही है, परमात्मा ही है, वह उहदा अपना है। तो कहन लगे साढ़े दिल च हमेशा ही यह हवश लगी रही, प्यार लग्या रहा कि केड़ी वस्तु है जिहड़ी गुरु नूं चढ़ाईए। फिर उन्होंने कहा कि अपना आप वारना ही गुरु का चढ़ावा है। हुण तुसी सोच के देख सकते हो साड़ी वो किसी भी वस्तु का गुरु आशा नहीं रखता गा। वो अपने खर्चे वास्ते सेवक की सूई तक लेके खुश नहीं हुंदा गा। अगर वो खुश है तो भजन सिमरन ही सेवक का लेके खुश है। वो कहिंदा लियाओ भजन करके। सारिया संतां ने यही कुछ ही किया। मैं किसी की निंदा या आलोचना ना अज तक की है, ना करनी है, ना मैं अपने सेवकों को ही यह उपदेश दिता है, क्योंकि निंदा किसी की करनी अपने भजन को खराब करना है, अपनी आत्मा को दागी करना होता है। लेकिन यह मैं दसदा हूं कि हिंदुस्तान दिया बहुत सारिया समाजों के अंदर, मठा अंदर मैं गया सी, प्यार नाल, श्रद्धा नाल, भरोसा लेके, लेकिन सब थां थ्योरी समझा रहे सी, जवानी जमा खर्च सी। अगर थोड़ा बहुता रास्ता चलाया तो बाबा बिशन दास ने ही चलाया, या महाराज सावन सिंह ने आस बनाई कि वक्त आने तो सेवा ले जाएगी। अज हुण मैं बाबा बिशन दास का क्यों धन्नवाद करदा हाँ, मैं दसदा हूं कि यह जिंदगी की नीम डालन वाला बाबा बिशन दास ही सी, जिहदे के दो शब्द प्रैक्टिकल सी, वो दो शब्द का ही भेद दिता। सिर्फ मैं ही उहदा एक चेला सीगा, बाकी उन्हें चेले नहीं बनाए सीगे। वह कहिंदा सी जद मेरे कोले पूरा रस्ता नहीं गा, मैं क्यों होर किसी नूं बनावा। जब मैं बाबा बिशन दास नूं महाराज सावन दे पास लैके गया सीगा, उत्थे बातां बातां दे विच बातां चलियां। एक मुसलमान फकीर कहण लग्या कि तुसी एक जन्म विच फरीदकोट दे बादशाह सी, फरीदकोट स्टेट पंजाब दे अंदर सी। महाराज सावन कहण लगे कि हाँ, मैं कई जन्मां दे विच बड़ी गरीबी भी देखी है। हुण तुसी खुद सोच के देखदे हो, जो अंदर परमात्मा नाल मिल जांदे है महात्मा, उन्होंने अनेक ही जन्मों का ज्ञान हुंदा है, उन्होंने पता हुंदा है कि किन्या जामयां दे विच गरीबी देखी, किन्या च अमीरी देखी, किन्निया पत्नियां बनाईया, किन्निया दे असी पत्नियां बने, किन्ने बच्चे बनाए, किन्निया दे असी बने। लेकिन हमेशा ही वह भरे बाजार छड़दे गए, अगे बनाउंदे गए, किसी ने अज तक साथ ना दिता।
हुण जिसने सानू इस कष्ट दे विचों सानू कढ दिता जमण मरण तो उपर लियांदा सचखंड उह धन नाम दा सानू दिता कि जिहड़ा एक जिंदगी दी रोजी रोटी सी जिहनू प्राप्त करके सानू ना जमण दा दुख ना मरण दा दुख ना ये धन जाण दा कोई कष्ट क्योंकि ये नाम दे धन नू चोर चरा नहीं सकदा गा पानी डबो नहीं सकती हवा उड़ा नहीं सकती गी ये अखुट धन है। हुण उस गुरु दा की धन्नवाद कीता जावे कि जिसने सानू एडी उची दौलत दिती। इस तरह अगर जे तुसी अजैब दियां अखां दे नाल अजैब दी आत्मा दे नाल देखो तो पता नहीं ये तो वध किन्ने क कष्ट सहारे होणगे पिछले जामिया दे अंदर। अगर इस जामे दे भी कष्ट बयान करिए कोई थोड़े जे हुंदे कष्ट हैगे है अगर असी मन लईए तो उस कृपाल दा की धन्नवाद करां कि जिने कंत पकड़ हो की नी राणी जिने रुलदी फिरदी एक पंगल नू झाड़ू देण वाली नू आपदे महल दे विच सचखंड विछड़ के राणी बना दिता। हुण उहदा होर उहदे अगे खड़ के की इह कहीए कि असी बादशाह हैं असी बड़े उच्चे हैं साडे वर्गा कौण है। मैं तू दी उस मुल्क दी सचखंड दी भाषा नहीं उत्थे ता तू तू करना पैंदा है अपनी हस्ती खत्म करनी पैंदी है उत्थे मालक दे ही बन के असी मालक कोले जा सकदे हैं। कबीर साहब ने कहा रा खुदा पी हावला वालों दसे पाए मन तो हाथी हो रहा निकसिया क्यों कर जाए। कहन लगे परमात्मा नू जिस रस्ते विच दी असी मिलके जाना है लंघ के जाना है वो वाल तो दसवें हिस्से का है मन हाथी बनया बैठा है मेरी कौम है मेरा मजहब है मैं आलम है मैं फाजिल है मैं तनी है। ये हुण किस तरह दे विच दी निकले इन उन्ना ही बरीक होने की लोड़ है जिन्ना के रस्ता बरीक है। सो सब नू उभार प्रगट करन दा निम्रता पैदा करन दा यही एक तरीका है कि असी अंदर जाइए। अंदर जाए तो बगैर साढ़े अंदर सच्ची निम्रता नहीं आउंदीगी क्योंकि अगर असी बगैर अंदर गया मालक नू मिलिया निम्रता धारण करदे हैं वह विखावे दी है पता नहीं साढ़े अंदर कद हंकार ने पैदा हो जाना है। बाहरली निम्रता दुनिया नू एक धोखा देण दे बराबर हुंदी है। बहुत प्रेमियां नू पता है कि महाराज कृपाल दे उदाले हिंदुस्तान दी पार्लीमेंट दे ला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो लेके सारे ही उन्हां दे उदाले घूमदे सन उन्हां दा आदर करदे सन वह मिनिस्टर सारे ही उन्हां दे पास आउंदे सन नेक सलाहां लैंदे सन। लेकिन वह दयाल किहदे ते होया जिसने गरीबी धारण कीती होई सी राजस्थान दे अंदर वो खुद चल के गया बिना बुलाया ही चल के गया कोई मालक दे बैठन वास्ते जगह बनावे अपनी आत्मा नाल उस मालक नू गुरु परमात्मा नू आवाज़ लगावे बाहर निमंत्रण देने की सद्दे देने की जरूरत नहीं हुंदी गी। अंदरों बुलावे कोई वो फौर ना मिलता है बेशक तुहाडा मकान बंद होवे झखड़ वगदा होवे भावें तुसी सत समुद्रां तों पार हो जिथे याद करोगे वो उत्थे ही तुहाडे कोले होएगा। बगैर प्रेम प्यार तो निम्रता तो वह रहिंदा तां पहला भी कोले है लेकिन वह प्रगट नहीं हुंदा। परमात्मा कृपाल दे जीवन काल का वाकया है। मैं पंजाब गया पिंड टवाली दे अंदर एक साधु ने जल धारा किया उस दिन आखिरी टाइम सीगा कई गांव कट्ठे होए सन और उहदे होम वगैरह वो कर रहे सन। मैं भी इस तरह के कर्म कांड किए हन मेरे दिल च ख्याल आया कि चलो इत्थों दे रस्ते भी लंघदे हैं बाबे दे दर्शन कर चलिए। बाबे दा इस तरह मंजा डठा होया सीगा जिवें हुण संगत बैठी है इस तरह संगत उहदे आसे पासे बैठी सीगी।
जब मैं उदे कोल पास जाण तो कुछ कदम पिछे सी तो बाबा तिवक के लग गया कहण कहे भाई मंजा लियाओ कुर्सी लियाओ या कोई कपड़ा लियाओ। और जेड़ा आ रहा उदे पिछे कोई आदमी मैनू दिस रहा है बड़ा शक्तिशाली आदमी है चिट्टे कपड़े है चिट्टी दाढ़ी है मोटी मोटी अख है उसकी। जो मैनू मंजे ते बिठाउण लगे मैं सत्कार वजो उसनू कहा नहीं बाबा जी असीं थले ठीक हो आपने बड़ा कष्ट उठाया है जल तारा किया है पर बाबे नू शांति ना आवे आखिर मेरे थले कपड़े तो मैनू बगैर तो बैठन ही ना दिता कहण लग्या पले पले कहे मैनू दिस रहा है ते उत्ते खड़ा है मैं उतो देख रहा सीगा तेरे पिछे आ रहा है हुण तुसी देख सकते हो पता नहीं किथे ओ हजूर कृपाल सत्संग दे रहा हो पता नहीं किहदे नाल इंटरव्यू कर रहा होगा पता नहीं किन किहदे नाल मिलनी कर रहा होगा लेकिन पंजाब दे अंदर जिहड़ा थोड़ी बहुती कमाई करदा सी साधु उदासी उसनू ओ किस तरह दिस गया नहीं गुरु हमेशा नाल रहिंदा है सेवक दे जिन्हां दा थोड़ा बहुता मन टिकिया हुंदा है वह देख लैंदे है कि इहदे पिछे कौन खड़ा है। ऐसे वाक्य कई दफा सत्संग च भी हो जाते हैं कई प्रेमी इस चीज़ की अगवाही देंदे है कि तुहाडे सिर ते असीं दो ताकतां देखियां। और वैनकूवर की मैं दसदा हुंदा है कि उत्थे बाबा बिशनदास भी देखिया हालांकि बाबा बिशनदास का मैं सरूप कदे बयान नहीं किया कि उन्हां दी किहदी जी बाडी सी ना उन्हां दी कोई पिक्चर ही है लेकिन जैसा बाबा बिशनदास साफा बनते सीगे उस प्रेमी ने वैसा ही जिक्र किया कि दो नूं मैं पछाणदा सी तीजा पछाण विच नहीं आया गा। तो यह कहण दा भाव मेरा ये कि उस गुरु दे अगे कि असी ये कहिंदे शोभा पाउने हैं कि असी तैथों उच्चे हैं सतनाम ओहदा सचखंड ओहदा उस सेवक नूं शांति देण वाला वह कि चीज़ है जिहदे विच गुरु नहीं। असी तो धरती भी गुरु की समझते हैं आकाश भी गुरु का समझते हैं पानी भी गुरु का समझते हैं सह भी गुरु का समझते हैं हुण इस वास्ते जब सब कुछ देने वाला ही वो है तो उहदे अगे निम्रता ही बनती है निम्रता नाल ही असी फायदा उठा सकते हैं। गुरु पवित्र हस्ती नूं कहिंदे है उन्हें अच्छी तरह अपने मन नाल संघर्ष करके मन इंद्रिया ते काबू पाया हुंदा है वह इन्हां चीज़ां का गुलाम नहीं हुंदा गा वो आप उन्हें मुक्ति प्राप्त की है पढ़िया पढ़ा सकता है उ आपके सेवकों मुक्ति दिलाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण पड़े की राखो शर्मा। हालांकि आपने बड़ी सेवा की सी गुरु की कुल मालक समझ के उन्हां दी सेवा कीती सब कुछ ही फिर भी कहिंदे असीं कुछ नहीं कीता तेरी शरण च आए हैं तू शरण पिया दी लाज रख। सत्संगी दे तां शब्द रूप के होके अंदर बैठा हुंदा है तनो मनो सत्संगी दी इच्छा भी हुंदी है मैं अपने गुरुदेव नूं प्रगट करा लेकिन वह तां चोरां कामियां नूं भी जाके दर्शन दे दिंदा है। महाराज सावण सिंह दा बड़ा लड़का बचिंत सिंह सी वह न्यारा सीगा उहदे बौल्द कढ़न वास्ते चोर आउंदे सन जद उन्हां ने आउणा अगे एक बुढ़ा उन्हां नूं नज़र दे विच आउंदा वह बिल्कुल तैयार प्रत्यार हुंदा सीगा क्यों भाई किवें आए हो वह मुड़ जांदे तीन चार दिन ऐसा ही हुंदा रहा आखिर सरदार बचिंत सिंह महाराज सावण सिंह दे लड़के दे गए उन्हां नूं चोरां ने खुद कहा भाई सानू तीन दिन हो गए कोशिश करदिआं नूं एक बुढ़ा हमेशा ही तैयार मिलता तेरे बलदा दे कोले असी खोल नहीं सकते गे। और बचिंत सिंह ने दसिया भई वो ये संती हैं दुनियावी तौर पर साढ़े पिता लगते हैं आखिर उन्होंने सावण सिंह महाराज तो नामदान प्राप्त किया सो वो तो भैड़े इंसानों नूं भी अपना दर्शन दे के अपना बना लैंदा है ये उहदी मौज है। इस सवाल बारे होर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है कई दिन भी कहण लग सकते हैं लेकिन ब्रश कावन और करौड़ी की अज शादी हुई है ये कुछ प्रेमियों वंडना चाहते हैं।